दूसरा भाग देख रहे हैं। यहाँ पे भाग क्या है, दो, बहुपद का वर्गीकरण। और बहुपद का वर्गीकरण हम लोग दो आधार पे करते हैं। चलिए देखते हैं, ये बहुपद हो गया, वर्गीकरण किए दो आधार पे। एक हो गया घात के आधार पे और दूसरा हो गया पद के आधार पे। घात के आधार पे और पद के आधार पे। याद रहे बच्चों कि हमें जो क्लास दसम में पढ़ना है, इस क्लास में पढ़ना है, वो घात के आधार पे पढ़ना है। लेकिन हम नॉलेज के लिए थोड़ा सा पद के आधार पे भी देखेंगे। तो बहुपद को दो आधार पे बांट दिए, पहला हो गया घात के आधार पे और दूसरा हो गया पद के आधार पे। घात के आधार पे जाते हैं तो पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा होगा त्रिघात बहुपद। चौथा हो जाएगा द्विवार्षिक बहुपद। ये सारा जो बहुपद है, इस सारे को समझाएंगे आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे ब्रीफली समझाएंगे। अभी थोड़ा सा पद के आधार पर देख लेंगे, क्योंकि पद के आधार पर पढ़ना है, नहीं तो इसी वीडियो में हम पद के आधार पर देख लेंगे। पहला क्या है? एक पद। दूसरा एक पद। एक पद क्या हो गया? जिसमें एक पद, ठीक है, जिसमें जैसे मान लेते हैं 3x, 2x, y, y square, ये सब क्या है? एक पद है। ये सब क्या है? एक पद है। तो इसको कहेंगे एक पद, ठीक है। दूसरा हो गया द्विपद, जिसमें दो पद हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस y, 3x प्लस 1, ये सब क्या हो गया? द्विपद। ये सब क्या हो गया? द्विपद। तीसरा हो गया त्रिपद। त्रिपद जिसमें क्या हो? तीन पद हो, ठीक है। ये सब क्या हो गया? त्रिपद। तीन पद होना चाहिए। यहां पे घात से मतलब नहीं है और यहां पे पद से मतलब नहीं होगा, इसको आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसी तरह चला जाएगा, ठीक है। तीन पद, चार चतुर्थ पद, जिसमें क्या होता है? चार पद होगा। ये सब क्या है? एक, दो, तीन, चार, चार पद हो गया। यहाँ पे तीन पद हो गया, ये पद के आधार पे हो गया, ठीक है। तो घात के आधार पे और पद के आधार पे। तो घात के आधार पे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और द्विवार्षिक बहुपद। चूंकि इसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ना है और एक्चुअली इस क्लास में, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ना है, तो जनरली इसको हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। और ये हो गया पद के आधार पे, जहाँ एक पद, द्विपद, त्रिपद और चतुर्थ पद हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पे, घात के आधार पे और पद के आधार पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे घात के आधार पे और वहाँ पे हमारा नेचुरल जो मेन थीम्स है वो इस क्लास का शुरू हो जाएगा। थैंक यू।